हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KGM ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्माइल प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.91 है तो पीई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में हमें एक कोई घटना है ई, उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है। ई नहीं का मतलब है कोई घटना ई है उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता 0.91 है, तो पीई तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों प्रायिकताओं के योग में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है कि इन दोनों का, अर्थात किसी घटना, कोई घटना अगर घटित होती है और वह घटना घटित नहीं होती है, तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो ये सूत्र भी आप याद रख सकते हो कि PA प्लस PA बार बराबर एक होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता PA है और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को PA बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो PA प्लस PA बराबर एक हुआ। तो ये सूत्र हमें याद रखना है कि PA प्लस PA बार बराबर एक। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है PA बार, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, PE बार हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थात घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है। तो इस सूत्र में PE प्लस PE बार, जो राइट साइड में आप देख सकते हो PE प्लस PE बार बराबर एक होता है, तो यहाँ पर PE बार का मान हमने रख दिया यहाँ पर। तो PE हमने यहाँ निकाला, तो PE को हमने एक पक्ष में रखा और PE बार को हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, और PE बार का मान हमने रख दिया 0.91। तो जब घटाया तो PE जो है हमारा, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो आ गई हमारे पास 0.09। तो इस सूत्र की सहायता से आप इस तरह के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, एक नंबर में आपके आ सकते हैं। आपको अगर मालूम हो तो एक एक नंबर के हमारे जो सिलेबस है उसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या है, ये कि अर्धवृत्त में बने कोण का मान लिखिए। अर्धवृत्त जो है उसमें जो कोण बनता है उसका मान कितना होता है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है। इसी तरह से एक छोटा और क्वेश्चन है, वो त्रिभुज का जो केंद्रक है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है। केंद्रक और माध्यिका अगले वीडियो में हम लेंगे इनके बारे में। तो अभी आप सिंपली एक नंबर के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो जो माध्यिका को किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित रखता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 6ठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अगर समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। लेकिन इस सूत्र को काम में लेने के लिए हमारे पास a प्रथम पद और d सार्वंतर दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, जबकि हमें कुछ और चीज़ यहाँ दी हुई है। वो क्या दी हुई है, हमें 6ठा पद और 17वां पद यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम पहले सूत्र की सहायता से 6ठा पद और 17वां पद निकालेंगे और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। देखिए मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताया हुआ है कि T6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो T6 बराबर हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 5 डी, सूत्र से हमने निकाल लिया। और यही चीज हमें सवाल में दी हुई है
छठा जो पद है वो 19 है, तो ये दोनों छठा पद बराबर होंगे, तो इसलिए हमने a प्लस 5d बराबर 19 कर दिया और इससे हमारा समीकरण नंबर एक तैयार हो गया। इसी तरह से हमें 17वें पद के लिए काम करना है, t17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो t17 बराबर हमारा आ गया a प्लस 16d, जबकि क्वेश्चन में 17वां जो पद है t17 हमें कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो यहां हमने बराबर कर दिया a प्लस 16d बराबर 41। तो यहां पर हमारे पास दो समीकरण तैयार हो गए, समीकरण एक और समीकरण दो। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो अज्ञात राशियां होती है तो दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समीकरण होने चाहिए, तभी हम उन दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमें वही काम करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करते हुए हमें a का और d का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर दोनों जो समीकरण हैं हमें a में और d में लिखी हुई है, तो इनको हल करने के लिए हम विलोपन विधि काम में लेने वाले हैं। विलोपन विधि में हम एक चर का विलोप करते हैं, तो यहां पर मैंने समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाया, घटाया तो समीकरण के चिन्ह बदल दिए, बदलने के बाद में a से a कट गया, समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण, और जो 16d है वो माइनस का हो गया और 41 भी माइनस का हो गया, तो घटा दिया, घटाने के बाद में माइनस 11d बराबर माइनस 22, माइनस से माइनस हमने यहाँ काट दिया और d बराबर हमारे पास आ गया 2। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण चाहे एक में आप रख सकते हैं या समीकरण दो में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख करके हमें जो a प्रथम पद है उसका मान यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैंने समीकरण एक में d बराबर 2 रखा और d बराबर 2 रखने के बाद में हमारे पास जो a है उसका मान आ गया 9। अब d का मान हमारे पास है और a का मान हमारे पास है, तो हम आसानी से जो 40वां पद है वो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे 40वां पद ज्ञात करना, तो 40वां पद हम आराम से निकाल सकते हैं। t40 बराबर हमने मान रख दिया, a का मान 2, n बराबर 40 और d बराबर 2, और रखने के बाद में जब हमने हल किया तो हमारे पास आ गया 87। तो 40वां जो पद होगा इस समांतर श्रेणी का वो होगा हमारा 87। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।